दून विधायक राम कुमार ने आज उपमंडलाधिकारी नालागढ़ के कार्यालय में उपमंडल स्तरीय समिति की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में उन्होंने वर्तमान में चल रही योजनाओं के लिए जारी बजट, बजट की बकाया राशि और जो योजनाएं प्रगति पर है या जिन योजनाओं का उद्घाटन हो चुका है उनके संबंधित विभागों के अधिकारियों से ब्यौरा लिया गया। वहीं विधायक राम कुमार ने सभी अधिकारियों को कहा कि योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ जनता को मिले ये सुनिश्चित किया जाएगा। वर्तमान सरकार का उद्देश्य पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना चाहिए, जिसके लिए सरकार वचनबद्ध है। विधायक ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जो योजनाएं उनके समय से लंबित पड़ी है उन्हें शीघ्र पूर्ण करने के लिए कार्यवाही सुनिश्चित करें। जो योजनाएं प्रगति पर चल रही है उनका लक्ष्य निर्धारित कर समय पर पूर्ण करना सुनिश्चित करें। उन्होंने अधिकारियों को ये भी निर्देश दिए हैं कि योजनाओं का नियमित निरीक्षण करते रहे ताकि कार्य की गुणवत्ता में पारदर्शिता बनी रहे। आज की मीटिंग माननीय मुख्यमंत्री सुखू जी की डायरेक्शन से विशेष उन्होंने डायरेक्शन दी है कि सभी विधायक अपने अपने एरियाज में अपने अधिकारियों के साथ मीटिंग करें। जीरो टॉलरेंस पे सरकार को चलाना है और जो स्कीमें रुकी हुई हैं काफ़ी सालों से उनको गति देने के लिए, जो अधूरे कामों के उद्घाटन पिछली सरकार ने कर दिए तो वो फट्टे जो है वो सब उतरने, वो रिव्यू मीटिंग हमने ये की है। और बजट जो है काफ़ी टाइम से पड़ा हुआ है, नहीं लग रहा है, स्पेंड नहीं हो रहा है, तो उसके बारे में सारा जो है कि पंचायतों में पैसे पड़े हैं, बीबीएनडी के हमारा पैसा गया हुआ है, वो सारा हमने उसको रिव्यू किया है। सभी विभागों के साथ इंट्रोडक्शन भी थी और क्योंकि जब सरकार एक्शन मोड पर है तो हम विधायकों को भी एक्शन मोड पर आना पड़ेगा। जनता के लिए समर्पित हैं और जनता के जो वायदे हमने किए हैं, जो चीज़ें हमने बोली हैं, उनको विद इन टाइम हमने ये डायरेक्शन जो है अधिकारियों को दिए कि जो स्कीम्स चली हुई ऑनगोइंग स्कीम्स हैं उनको विद इन टाइम जो है कंप्लीट करेंगे। जैसे कई बिल्डिंग, कॉलेज की बिल्डिंग अधूरी पड़ी है, हमारी बद्दी हॉस्पिटल की बिल्डिंग उधारी है अधूरी पड़ी है, तो उसको 6 महीने का समय हमने दिया है कि बद्दी अस्पताल को हमने 100 बेड का करना है और उसको 6 महीने के अंदर हम कंप्लीट करेंगे। कॉलेज में भी कनेक्शन नहीं हुआ है, बिजली कनेक्शन नहीं हुआ, पानी कनेक्शन नहीं हुआ, उसका उद्घाटन कर दिया। आईटीआई की बिल्डिंग चली हुई है तो वो अधूरी हैं। कई पुलों के उद्घाटन, अखावाली पुल का उद्घाटन हो गया, अभी बर्म कच्चे हैं और डंगा लगने साइड से कोई मोटरसाइकिल वाला कभी भी जाके गिर जाए उस पर स्टोन लग गया। और एक पुल काफ़ी टाइम से पुराना पेंडिंग था राजपूत बस्ती ठाणा का, उसको स्पीड अप करने के लिए कहा गया। और बहुत सारे ऐसे काम हैं, ट्रैफिक पे अधिकारियों से बात हुई है, पुलिस से और NS से, उसमें जो काम होने वाले हैं वो काम जो है स्पीड अप करेंगे। नेशनल हाईवे को मेंटेन करने के लिए नेशनल NHAI के अधिकारियों को डायरेक्शन दी गई है, उसको 1 महीने के अंदर वो मेंटेन करेंगे बद्दी से ब्रोटी वाला, सॉरी बद्दी नाराजी से बद्दी तक। और उसके बाद जो अंदर के रोड्स हैं हमारे, दावत रोड है, साई रोड है, बद्दी ब्रोटी वाला रोड है, उसके टेंडर BB&E जो है वो तुरंत फ्लोट करेंगे। कुछ ट्यूबवेल्स जो है मेरे टाइम के सेंक्शन पड़े हैं, अभी लगे नहीं है, उन ट्यूबवेल्स को लगाने के निर्देश जो है अधिकारियों को दिए हैं कि उनको टेंडर फ्लोट करके जो है पेयजल योजनाएं जो है 3-4 ट्यूबवेल जैसे हैं जो पड़े हैं तो उनको तुरंत जो है वो लगाएंगे। हाउसिंग बोर्ड्स में समस्या थी पानी की, उसके लिए SDO हाउसिंग बोर्ड को डायरेक्शन दी गई है कि उनको फंड्स की जरूरत है तो वो देंगे। एक ट्यूबवेल मैंने दिया हुआ 5 सालों पहले, वो पैसे पड़े हैं, वो IPH को डाइवर्ट होंगे। और एजुकेशन पर हमने बात की है, जो वैकेंसीज थी जहाँ ज़्यादा बच्चे हैं उनको टीचर्स नहीं हैं, वो मैंने डिटेल जो हैं वो हमारे जो BPOs हैं उनसे मांगी है। सिमिलरली हेल्थ में जो है बहुत सारी डिस्पेंसरीज बंद पड़ी हैं, वो डिटेल्स हमने मांगी, उनको कहा कि वीकली जो है जितना स्टाफ अभी उपलब्ध है उससे वीकली जो है वंस इन ए वीक उनको वो खुलवाएंगे, अपना फार्मासिस्ट या कोई हेल्थ का कर्मचारी अधिकारी वहाँ जाएगा, वो सारी जो है वो खुलेंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव कार्रवाई वो रिपोर्ट CM साहब को जाएगी, कार्रवाई CM साहब करेंगे, उनके डायरेक्शन है कि जो अधिकारी काम नहीं करेंगे तो उसका रिपोर्ट आपने मुझे देना है, तो उसका इलाज जो है खुद करेंगे। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि मैं CM साहब से डिस्कस करके एक विशेष काउंटर जो है मैं खुलवाऊँगा कि हमारे एरिया के लिए स्पेशल उसमें रिजर्वेशन हो, और जो इंडस्ट्री वाले उनको बाउंड करेंगे हम कि वो कोई भी भर्ती सीधे तौर पर नहीं करेंगे, भर्तियाँ जो है हमारे अधिकारी के थ्रू होंगी, हमारी रिकमेंडेशन पे जाएंगी या हमारी जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है उसके माध्यम से जो है वो उनको रिज्यूम जाएंगे। अब इंडस्ट्री को इस मामले में खेल लेंगे और CSR में इंडस्ट्री को डायरेक्शन जो है CM साहब की तरफ से कराऊंगा कि CSR का पैसा जो बॉम्बे या और कहीं खर्च होता है वो पैसा विद इन एरिया खर्च होगा, वो पैसा सारा ही हम एरिया के डेवलपमेंट के लिए लगाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी का अधिकार है और वो किसको मंत्री बनाते हैं किसको नहीं बनाते हैं, और केंद्रीय हमारा जो
नेतृत्व है उसमें लिस्ट अभी डिस्कस होनी है। अभी हम 4-5 दिन से दिल्ली थे सीएम साहब के साथ, तो मेरे ख्याल 27-28 तारीख तक जो है, क्योंकि मंत्रियों की संख्या बड़ी कम है, 12 मंत्री बनेंगे तो उसमें सीएम साहब डिसीजन लेंगे, जो भी बेटर समझेंगे होगा, अगर जिम्मेवारी देंगे निभाएंगे उसको। थैंक यू। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए नालागढ़ से अजय रतन की रिपोर्ट। कोयल मोटर्स विभिन्न पदों हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित करता है, जिसके लिए अनुभवी व फ्रेशर्स सभी आवेदन कर सकते हैं। इंटरव्यू के लिए अभी 9418035372 पर कॉल करें या अपना बायोडाटा ईमेल करें HR@goelmotors.com पर।